हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपके लिए बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सर सीखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सीखेंगे किस तरीके से बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रीवियस वीडियोज में भी हमने एक्सरसाइज 3.1 को भी एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने नहीं देखा है मेरे भाई लोग, आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, उसे सीखिएगा और समझिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आपके पेपर में श्योर एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज चलिए हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले का नहीं। तो ये कहा गया कि जो हमारे इसमें तीन कंडीशन सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा और इसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो केस नंबर ये फर्स्ट कहता है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। क्या बोला गया? व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, ध्यान से समझिएगा, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। क्या बोला गया? एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं सर जी? तो ये कहा गया कि जब बेसिकली दो लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट ओनली वन पॉइंट पे, तो दैट इज कॉल्ड, कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। दैट हैव, ऐसे लिख सकते हैं, दैट हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे सर? यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। और हमारा जो सिस्टम होता है, और सिस्टम इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सिस्टम इज कॉल्ड जो है सर, कंसिस्टेंट कहलाता है। सिस्टम इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। मीन्स कि आपके पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्म राइट डाउन कर रहा हूं। तो a2x + b2y + c2 = 0 है। और ये कहा गया कि ये दो लाइन इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा, अब दो लाइन इक्वेशन है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिस्टम के कहीं पे कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से लेट सपोज ये a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 है, इस पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं सर, कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि जब दो लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करते हैं, जैसे ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस केस में सर जी उनकी क्या टेक्निकल सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा सर जी? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और हमारा सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल कैसा होगा? वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा सर जी? कंसिस्टेंट होगा। ये दो बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोले बस समझ में आया कि क्लियर हो गया? तो आपसे ये कहा गया कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल जो है वो अगर करता इंटरसेक्ट करता है एट ओनली वन पॉइंट पे, और इसके बाद जो है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और सिस्टम कैसा होता है? तो पेयर ऑफ लीनियर जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसके साथ साथ सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बोल क्लियर होंगे कि समझ में आ गए? और इसमें कंडीशन जो लगाया जाता है सर जी, उस केस में ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन होता है सर, a1 upon a2, x का कोफिशिएंट जो है दोनों इक्वेशन में a1 upon a2, और y का जो कोफिशिएंट है b1 upon b2, ये दोनों ही क्या होते हैं सर, नॉट इक्वल होते हैं। ये कंडीशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो यहाँ पे तीन बातें आपको देखने की मिल रही है केस वन के अंदर, कि जब दो बेसिकली लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट ओनली वन पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है हमारा सोल्यूशन जो होता है कैसा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। और इसके साथ साथ हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। और कंडीशन क्या होता है, x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो नॉट इक्वल होता है। उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल होता है। बोलो बस समझ में आ गए कि नहीं? क्लियर हो गया सर? इसमें कोई डाउट इसमें आपको? ठीक, तो चलिए सर आगे बात करते हैं। तो ये पहला हमारा कंडीशन था बेसिकली केस नंबर फर्स्ट के अंदर, हमने देखा तीन बातों को सीखा। चलिए सर इसके बाद अगला सेकंड कांसेप्ट देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है सर। यदि आप इसे सीख गए तो सेकंड एक्सरसाइज आपका समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा, और ध्यान से लिखते रहेंगे। अब केस नंबर सेकंड में हम जो बात करने वाले हैं सर जी, यहां पे आपको ये बताया गया कि ये मान लीजिए सपोज हमारा सिस्टम जो है सर, इवेंट टू लाइंस आर क्या, कौन सी इवेंट, टू लाइंस हमारी कैसी हो सर, इवेंट टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन हो, क्या हो सर जी, कोइंसिडेंट लाइन हो। तो उस केस में आपसे ये कहा गया कि इवेंट टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन, देन आपका क्या होता है बेसिकली, देन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? देन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोला जाता है। एंड हम एंड इसके बाद बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यहाँ भी सिस्टम हमारा कैसा होगा? सिस्टम जो हमारा होगा सर वो कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा सर? कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जब बेसिकली हमारे दो लाइन क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखते हैं। क्या रखती है सर जी? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होती है। और हमारा सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। मीन्स आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x + b1y + c1 = क्या सर, 0 है। और दूसरा हमारा a2x + b2y + c2 = क्या है,
जीरो है, तो कोइंसिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब सेम ही पाथ को फॉलो करते हैं दोनों इक्वेशन। आगे बस समझ में, इस तरीके से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरा हमारा जो है सर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये कहा गया कि जब हमारे दो लाइन्स कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे कैसे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होता है, और हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ओके, इसके बाद कंडीशन क्या है सर, इसमें कंडीशन यही है कि मेरे भैया लोग आपका जो है x का कोफिशिएंट का जो रेशियो है, y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो है, उनका बेसिकली वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल रेशियो मिलता है सर, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बोलो बात समझ में आ गई। दैट मींस a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो ये बेसिकली यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जब बेसिकली दो लाइन हमारे क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे, और इसके साथ-साथ हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इस तरीके से उनका कंडीशन क्या होगा कि x और y के जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के रेशियो होंगे वो आपस में क्या होंगे सर, बराबर होंगे। दैट मींस दिस a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर हो गया कांसेप्ट नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड आ गया अच्छे से, बोली क्लियर है या नहीं? ओके सर, आगे लग रहा है ना भी। चलो सर आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर थर्ड करते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से बस आप देखिएगा, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ये आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। अगला देखिए सर जी, केस नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है, केस नंबर थर्ड कहता है सर जी, व्हेन टू लाइंस आर क्या है, पैरेलल है। क्या है, व्हेन टू लाइंस आर क्या है, पैरेलल है सर। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल है, तो उस केस में देन आपको मतलब ये कहा गया, तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन सॉल्यूशन देन हैव नो सॉल्यूशन देन हैव नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम हमारा जो होता है नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट कहलाता है, एंड सिस्टम इज क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है सर, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 बराबर 0 है, दूसरा दे रखा सर a2x + b2y + c2 बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है सर। तो अब इस तरीके से ये पैरेलल आपने कंडीशन क्या लिखा, पैरेलल लिखा सर, क्या लिखा, पैरेलल लिखा। तो ये आपका a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो हो गया, और सर दूसरा आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर क्या हो गया सर, जीरो हो गया। जरा ध्यान से समझिएगा सर इस बात को, आपसे यहाँ पे क्या कहा गया, जब दो लाइन्स हमारे क्या होती है, पैरेलल होती है, जब दो लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों लाइन के बीच में सेम होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर, यदि आपको याद हो कि बेसिकली क्या होता है, रेलवे ट्रैक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पैरेलल के कॉन्सेप्ट में। आगे बस समझ में, ईच एंड एवरी पॉइंट आप देखेंगे इनके बीच में, दोनों ट्रैक के बीच में क्या होगा, दोनों पटरियों के बीच में बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है। आगे बस समझ में, तो वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल दैट हैव नो सॉल्यूशन, ये कहा गया कि हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन जो है उस केस में उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपसे ये कहा गया कि जो हमारा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा सर, इनकंसिस्टेंट होगा। और इस तरीके से देखिए, दो लाइन हमारे पैरेलल होगी, ये इक्वेशन आगे सर बात ही सर कंडीशन निकाल रहे सर, भाई लिख रहे यार काहे को टेंशन ले रहे सर, आज कंडीशन का दर्शन कर दिए। कंडीशन इसमें सर ये होता है कि जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं सर, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होता है c1 और c2 वो सर जी नॉट इक्वल होता है। कैसा होता है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to क्या होता है सर, c1 upon c2। मतलब x और y के जो कोफिशिएंट है सर, x और y के कोफिशिएंट पेयर ऑफ इक्वेशन में जो है वो आपके इक्वल होंगे, लेकिन उनका जो रिलेशन कांस्टेंट टर्म के साथ होगा वो नॉट इक्वल होगा। तो समझ लेना कि हमारा कैसा है, आपका बेसिकली पैरेलल लाइन है, और उसके साथ साथ कैसा है, नो सॉल्यूशन है, और उसके साथ साथ तीन बात याद रखना है, पैरेलल लाइंस, इसके बाद क्या है, क्या लाइन है, नो सॉल्यूशन, तीसरा क्या है सर, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बोलो क्लियर हो गया, तो दो में आपका कंसिस्टेंट और तीसरे में इनकंसिस्टेंट पैरेलल इक्वेशन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपका जब बेसिकली इंटरसेक्टिंग होता है, कोइंसिडेंट होता है तो कंसिस्टेंट होता है, और जो पैरेलल होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। बोलो बात समझ में आ गई, ये तीन केस थे सर जी आपके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, क्योंकि आपके पेपर में श्योर दो या तीन मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा सर, बस ये बात दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। बोलो आगे सर समझ में, क्लियर है या नहीं, बोली आया। चलिए सर अब हम बात करने वाले एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जिक्र करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप समझते चलिए और ध्यान से देखते चलिए। अब आपका जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कहा गया,
एक्सरसाइज 3.2 में आपसे बोला गया, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.2, तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया सर, ध्यान से समझिए, एक्सरसाइज 3.2 में आपसे ये बोला गया सर जी, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बेसिकली 10 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, एंड इसके बाद ये कहा कि एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बेसिकली फॉर्म करना है और इसके साथ साथ जो है ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, ओके, सॉल्यूशन निकालना। यानी कि इन्होंने कहा कि बेसिकली क्लास 10th है, 10th आपको बोला गया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्टिंग मैथमेटिक्स क्विज। एक बेसिकली क्या होता है मैथमेटिक्स क्विज होता है, क्विज मतलब क्या होता है, समझ लीजिए सर, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्विज होते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, ओके चलिए ठीक है। तो 10 हम मतलब 10 स्टूडेंट थे क्लास 10th में, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब ये कहा गया कि जो गर्ल की संख्या है वो बॉयज के कंपेयर में क्या है, 4 ज्यादा है। अच्छी बात है सर जी, 4 गर्ल की बॉयज की संख्या में क्या है, मतलब 4 ज्यादा, ओके बहुत अच्छी बात है सर। आगे क्या बोले, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो आपको ये बताना है कि कितने बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है उस क्विज के अंदर क्या किए, पार्टिसिपेट किए। तो अब देखिए सर, यहां समझने की बात, लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x मान लीजिए, ठीक है ना सर, बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है, लेट नंबर ऑफ बॉयज। आपको एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा सर, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको ये ध्यान से समझिएगा। आपसे यहां पे ये कहा गया कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, तो आप इस तरीके लेट द नंबर ऑफ जो है बॉयज, आप ध्यान दीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x, एंड इसके बाद जो है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लीजिए y, क्या मानेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। अब आगे ध्यान दीजिएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं, देखिए दोनों टोटल संख्या कितनी है, एक क्लास की जो संख्या है टोटल वो है 10 स्टूडेंट की, जो मैथमेटिक्स क्विज के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब टोटल संख्या 10 है, तो x प्लस y इक्वल टू कितना आगे सर, 10 आगे, ये इक्वेशन नंबर क्या आगे सर, 1 आगे, बोलो आया समझ में। अब इसके बाद सेकंड क्या कहता है कि बेसिकली जो आपको ये बताएगा कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की तुलना में क्या है, 4 ज्यादा है। इसका मतलब है सर जी, जो y है, यदि हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब वो क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है। तो ये लड़कियों लड़कों की संख्या बराबर, 4 लड़कियों को तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो y जो क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया सर, 4 हो गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया सर, सेकंड का सेकंड है, बोलो क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिकली क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको हमें ग्राफिकली दिखाना, बहुत ही सिंपल है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम बात करें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करें तो x प्लस y इक्वल टू कितना दे रखा है सर, 10 हो गया। बोलो कि ये समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है भाई। सबसे पहले जो कंडीशन होता है ना सर, वही आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो जैसे आपसे यहाँ पे ये कहते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, ज्यादा है, तो हमने लड़कों की संख्या में 4 को क्या किया, 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या आ गया सर, x प्लस 4 आ गया। बोलो बस समझ में आया, ठीक, ओके। अब इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम ग्राफ लिख रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 10 माइनस क्या हो जाएगा सर, x हो गया। अब हम यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा सीक्वेंस देखिए कैसे करेंगे, पुट कर लीजिए x बराबर क्या, 2 पुट कर लीजिए, ठीक है ना। तो मतलब इसके लिए करके चलेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया सर, 10 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया सर, 8 आ गया। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से आपने पुट कर दिए, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं सर, 2 क्यों लिया, आप ऐसे तो 0 भी ले सकते थे सर, इसलिए नहीं लिया क्योंकि सर जी यदि मैं 0 ले रहा हूँ तो सर जी बड़े नंबर 10 आ जाएगा, तो ग्राफ पे पेपर पर डन नोट तक ऊपर जाना पड़ेगा, इससे छोटी वैल्यू हो जाए, तो इसलिए ऐसा मैंने किया, ठीक है ना। आप पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना सर, 4 पुट कर दीजिए, आपने 4 पुट कर दिया, तो उस केस में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। एक और वैल्यू निकालिए सर, पुट x बराबर कितना कर दीजिए, 6 कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो आया समझ में, ठीक। इसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये फर्स्ट आप बन करके आ गया सर। तो इस तरीके से फर्स्ट आप ये देखिए बेसिकली 3 वैल्यूज x और y, x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू देखिए सर पिक्चर में कितना, 8 है। जब x की वैल्यू हमने 4 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है सर, 6 है। जब x की वैल्यू हमने कितना रखा सर, 6 रखा, y की वैल्यू कितनी है, 4 है। बोलो आ गया समझ में, क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत इसमें, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं सर जी, ठीक। चलिए ध्यान से देखते रहिए, इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर का होना बहुत ही क्या होता है, बेहद जरूरी होता है। अब इसके बाद y इक्वल टू x प्लस 4 लिखा होगा,
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड y इक्वल टू क्या है सर, x प्लस 4 आया, तो पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 बराबर कितना आएगा सर, 4 आएगा। बोलो क्लियर है ना। ठीक, अब इसी तरीके से x इक्वल टू पुट कर दीजिए x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू सर आप देख सकते हैं कितना है पिक्चर में, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा ना भैया लोग, बोलिए। तो किस तरीके से आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया सर, 8 आ गया। अब यहाँ पे इसके भी तीन वैल्यू हमने निकाल लिए हैं, तो इसके भी आप बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए सर जी सीक्वेंस में, ठीक है ना, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो एक हम यहाँ पर इसका बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं सर x के, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया सर, y हो गया। आप देखिए वहाँ पे x की वैल्यू क्या सर, 0 है, y की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, x की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 6 है, x की वैल्यू देखिए सर कितनी है, 4 है, y की वैल्यू देखिए कितनी है सर, 8 है। बोलो समझ में आ गया सर। तो इस तरीके से हमने क्या किया सर जी, इनका बेसिकली एक बॉक्स बना लिया नंबर का इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है ना सर। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, बोलो समझ में आ गया सर। चलिए इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रफली मैं आपको सिखाता हूँ सर, लेकिन आप इसे जो है सर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन बिल्कुल, तभी आपको मार्क्स मिलेगा सर। ओके, चलिए सर ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से जो है सर, देख रहे हैं ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर है। ओके, तो अब इस तरीके से चलिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर, 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 2 यूनिट मान ले रहा हूँ सर, क्लियर है ना। 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट के बराबर है, तो इससे हमें क्या छोटा सा ग्राफ में हमारा काम बन जाएगा, क्लियर है सर। ध्यान से देखिए, ये आपका सर 0 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इतना बोलते हैं ना भैया, 2 हो गया, 6 हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं सर, x x डैश एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं सर, y y डैश एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ओके सर, अब इस तरीके से जो है 2 हो गया सर, फिर इसके बाद कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर आपका 10 हो गया। इसी तरीके से -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया। सेम इसी तरीके से -2, -4, -6, -8 एंड माइनस क्या हो गया सर, 10 हो गया। बोली समझ में आ गई। अब मेरे भाई जो है, आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 8 है। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से सर्कल करते हैं, 2, 8 आ गया। ठीक, इसी तरीके से x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, ये आपको इस तरीके से कुछ आ रहा है, 4, 6 हो गए। ठीक, इसी तरीके से अगला देखिए, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 6 कॉमा क्या किया सर, 4 कर दिया। तो आप इसी स्केल से करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपका कट करता हुआ जाएगा। बोला आया समझ में, नहीं क्लियर हो गया सर। तो ये किसका लाइन है सर, ये x प्लस y इक्वल टू किसका है, 10 का है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलो समझ में, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा सर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर हमेशा कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। ओके, क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है सर जी, यहाँ पे देखिए x और y की बात करें, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है सर, 4 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना है सर, 4 है। लो भाई बना दिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो 0 कॉमा कितना हो गया सर, 4 हो गया। ठीक, इसी तरीके से x की वैल्यू जब 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 6 है, 2 पे क्या है सर, 6 है। ये लो भैया, 2 पे 6 आ गया, 2, 6 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगला देखिए, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है। 4 पे क्या है सर, 8 है, तो इस तरीके से 4 पे क्या आ गया, 8 आ गया। 4 कॉमा कितना हो गया भैया, 8 हो गया। बोलो आया समझ में, नहीं तो इस तरीके से इनके बेसिकली रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से दिखा देंगे। बोलो क्लियर हो गए, ये y इक्वल टू कितना था, x प्लस 4 का इक्वेशन था। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सर कि वैल्यू कहीं ना कहीं देखो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा है सर, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है ना। ये क्या कर रहा है सर जी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कैसा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया सर जी। आप बहुत ही साफ सुथरा देख सकते हो, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप जब ग्राफ पेपर पे जाएंगे सर जी, तो आप यहाँ से इस तरीके से क्या करेंगे, नोट नेटवर्क मतलब नोट डाउन करेंगे, तो ये सर क्या आएगा, 3.7 पॉइंट आएगा सर। देखिए आप यहाँ पे देखिए सर, इस तरीके से जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये आपका यहाँ पे 7 पॉइंट आ रहा है सर जी, और ये 2 और 4 के बीच में क्या आएगा सर, 3 आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो 3 होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पिक्चर में, हेंस करके आप लिख देंगे, हेंस नंबर ऑफ जो बॉयज हैं सर जी, आंसर निकल गया आपका, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे सर, 3 होंगे। और नंबर ऑफ गर्ल्स ग्राफ पेपर पे जब आप सर ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज 3 होगी, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपको मिल गए कितने सर जी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने भी है, 7 है। तो देख लो सर,
सेवन और थ्री का माइनस करो फोर डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या निकलोगे, राइट आंसर आपको मिल चुका है। तो नंबर ऑफ बॉयज थ्री और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, फोर हो गए। तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन आपका आ गया। बोलो सर आया समझ में आने। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, थ्री हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, सेवन है। ओके बोलो आया समझ में, क्लियर हो गया ना। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ भी अच्छे से क्लियर हो गए। ओके तो चलिए सर नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, समझिएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखते रहिए। बहुत ही सिंपल है सर आपके लिए, बिल्कुल जहाँ भी कठिन लगे सर आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें और अच्छे से सीखते जाएं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ध्यान से देखते रहिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन वन का जो बी पार्ट क्या है। तो आपसे ये कहा गया सर जी कि फाइव पेंसिल्स है एंड सेवन जो है आपने क्या खरीदा, पेन खरीदा। तो फाइव पेंसिल खरीदा और सेवन पेन खरीदा, उसका जो टोटल कॉस्ट दिया गया सर वो फिफ्टी रुपीज दिया गया। कितना दिया सर जी, फिफ्टी रुपीज आपको दे रखा है। इसके साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सर उसमें से अब आपने तो ये अग्री, तो भैया इंडिविजुअल हमें कॉस्ट वन पेन का और वन पेंसिल का नहीं पता है, तो पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं एक्स है और पेन का कॉस्ट मान लेते हैं वाई है, क्लियर। पहला तो आप लिखेंगे, तो सबसे पहला चीज आपको यही लिखना होता है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, ध्यान दीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज क्या मानेंगे, एक्स रुपीज मानेंगे, एंड इसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है, कॉस्ट ऑफ वन पेन आप टेक करेंगे इज वाई रुपीज मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज एक्स रुपीज एंड जो है कॉस्ट ऑफ वन पेन, आपका पेंसिल है ना, पेपर पेंसिल है, अच्छा ओके पेंसिल लिख लो सर। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई रुपीज। ओके सर समझ में आ गए। अब इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, एटी क्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके अब इस तरीके से आपसे कहा गया कि क्वेश्चन के अनुसार ये जो है फाइव पेंसिल, तो फाइव पेंसिल का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, फाइव इंटू एक्स हो जाएगा, है ना भैया, फाइव इंटू एक्स हो गया, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि भैया जब एक किलो आलू खरीदते हो दस रुपए का, तो दस रुपए का दस किलो आलू कितने का होगा, टेन इंटू टेन करोगे तभी तो बेसिकली जो शॉपकीपर को टेन टेन जाएगी ना हंड्रेड रुपया, तो ठीक है। तो इस तरीके से जो है 5x हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल होगी। इसके बाद आपने क्या किया सर, 7 पेन खरीदा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 7 इंच पेन क्या कितना है, 7, और कुल मिला के कितना रुपया दिया, 50 रुपये दिए, 50 रुपीज आपने दिया शॉपकीपर को, क्लियर हो गया। तो 5x + 7y = 50 आ गया, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके सर इसी तरीके से आपसे फिर ये कहा गया कि अब आपने उल्टा कर दिया, बिल्कुल आपने 7 पेंसिल खरीदा और 5 पेन खरीद लिया टुगेदर और 46 में, ठीक है ना। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया सर, 46 आ गया। लो भैया ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सर, सेकंड बन गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकलना है, कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हमें बेसिकली क्या करना है, पेंसिल और पेन का दाम बताना। ओके सर जी, तो चलिए सर जी ये तो हमारा क्या हो गया, अरेंजमेंट से एलिमेंटली जो है हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी चीज को हमें ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में हमें सॉल्यूशन निकालना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो आप लिखेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी आप ध्यान से देखें, तो इस तरीके से जो है 5x प्लस जो है 7y इक्वल टू कितना है सर, 50 है। तो यहाँ से 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस क्या हो जाएगा सर, 5x हो जाएगा। और अब इस तरीके से जो है सर ये आपका प्लस था इसलिए उधर गया तो माइनस हो गया। इसी तरीके से आप ये 7 जो है वाई में क्या है सर, मल्टीप्लाई है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 50 माइनस क्या हो गया, 5x। ये 7 मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा। तो 50 माइनस 5x अपन कितना आ गया सर, 7 आ गया। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है सर इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें जो है बेसिकली एक्स की वो वैल्यू पुट करनी होगी जिससे कि हमें बेसिकली क्या हो, न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल बनना चाहिए, 7 का क्या बनना चाहिए, मल्टीपल। तो आप देखिए सर जी, आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू यदि आप 2 पुट करते हैं सर, ध्यान से समझिए, एक्स की वैल्यू यदि आप 2 का पुट करते हैं तो 5 2 कितना होता है, 10। तो 50 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा सर, 40 आएगा। क्या 40 कम करेगा, नहीं करेगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना रखेंगे सर, 3 रखेंगे, 3 रखा 5 3 कितना होता है, 15 होता है। तो 50 और माइनस किया सर, ध्यान से समझना सर, 50 माइनस 15 करेंगे तो 35 आएगा, जो कि 7 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 अपॉन 7, तो दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आ गई सर, ध्यान दीजिएगा, y = 35 upon 7, 7 5 जाए कितना होता है 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, 5 आ गई, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई।
ठीक। इसी तरीके से जो है सर आप अगेन पुट करेंगे कुछ इसी तरीके से सोचेंगे x की वैल्यू के लिए, यार x की वैल्यू आप सर 50 है तो आपको पता है कि भाई 2 + 10 ऐसे हो रहा है ना भाई, तो आप x की वैल्यू क्या कर दीजिए 4 पुट कर दीजिए है ना भैया, -4 पुट करें लेट सपोज, तो x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y = कितना आ गया 50 - 5 - -4 तो आप डिवाइड बाय 7 तो ये 70 बन जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 - 4 = 20/7 तो 70/7 कितना हो गया 7 10 कितना होता है 70, ओके गुड ठीक है ना सर। तो इस तरीके से y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर 10 आ गया, क्या आ गया सर 10 आ गया, बोलो क्लियर है। तो x अब दो वैल्यूज आपके पास आ गई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दो वैल्यू भी आ गई तो हमारा काम बन सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि आप 3 निकालो, बस स्ट्रेट लाइन बनेगा उसी ग्राफ पेपर से हम अपना बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ओके। तो x की वैल्यू पहले हमारे पास कितनी आ गई सर, ध्यान से देखिए जब x और y हो गया सर, x की वैल्यू हमारी जब 3 थी तो y की वैल्यू कितना आया सर पिक्चर में देखिए 5 आ गया, जब x की वैल्यू सर जी आपने क्या पुट किया -4 पुट किया तो y की वैल्यू जो पॉजिटिव में 10 आया सर ठीक है ना, पॉजिटिव में कितना आ गया सर 10 आ गया, बोलो क्लियर है ये। तो ये सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट से क्या किया दो वैल्यू को अपडेट कर लिया ओके। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए सर, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा सर कमेंट सेक्शन में लिख के ओके। तो चलिए सर राइट नोट कर लीजिए, अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस देखते जाइए और समझते जाइए, बिल्कुल ही सिंपल है, परेशान नहीं होना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड यदि आप सी ये देखिए लिखा हुआ 7x + 5y = 46 लिखा, तो ये सर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y = 46 माइनस कितना हो गया 7x, तो y = 46 - 7y, sorry 7x अपन जो कितना आगे सर 5। अब हमें जो है सर ऐसा कुछ वैल्यू रखना है कि जो 5 का टेबल बन सके सर ठीक है, ध्यान से देखिएगा यदि आपका 46 है ये 7 है, 7 मंजर रखोगे तो कितना आएगा सर 439 आएगा, तो नहीं हो सकता, 7 पूजा रखा सर 14 होता है, 14 अब रखोगे तो 46 में से 14 जाएगा तो 32 लेट्स अप हो जाएगा ओके। तो इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता, x की वैल्यू फिर आपने कितना रखा सर 3 रखा, लेट्स सपोज 3 रखा तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो है आपका 7 3 कितना होता है 21 होता है, 46 में से 21 गया 6 में से 1 गया कितना है सर आपका 5 आ गया, और इसके बाद जो है 40 आपका 4 में से 2 गया तो 225 लो भैया हो गया। तो x की वैल्यू जो है आपने कितना पुट कर दिया x = 3, तो x = 3 पुट कर दिया सर, तो y = क्या आ गया 46 - 7 * 3 अपन जो है 5 आ गया, तो y = सर 46 - 21/5, तो इस तरीके से जो है आपका y की वैल्यू कितना आ गया सर 25/5 आ गया, तो दैट मींस कितना आ गया 5 आ गया, लो सर इंटरसेक्टिंग वैल्यू आपको पहले ही मिल गया 3, 5 का ओके सर जी ठीक है। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी एक और दिखाएंगे, पुट कर दीजिए सर जी अगला x की वैल्यू पुट करिए x की वैल्यू जो है सर जी यहां पे फिर से चेक करेंगे, x की वैल्यू 3 रखा जैसे 5 रखे सर तो सर 4 रखेंगे 28 आएगा, तो 46 में से 28 नहीं बनेगा सर है ना। इसके बाद आपने x की वैल्यू जो माइनस में करके देख लेते हैं, ये माइनस में 2 रख दे सर हो सकता है, पुट कर दिया x = -2, तो y = सर जी 46 - 7 * -2 हो गया अपॉन क्या गया 5, तो y = 46 हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7 टू जाए कितना होता 14 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सर जी 46 प्लस 14 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये 60 अपॉन कितना हो गया 5, 5 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो y बराबर 12 आ गया, बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन से, तो आप उसे बॉक्स बना लीजिए और फिर इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए x और y, x की वैल्यू जब आपने 3 टेक किया तो y की वैल्यू कितना आया सर 5 आ गया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ठीक है ना सर। इसके बाद जो है x की वैल्यू जब आपने -2 रखा तो कितना आ गया सर 12 आ गया, बोलो क्लियर है, ध्यान से इसे देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ओके। तो चलो सर आगे बात करते हैं ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए ओके ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से मेरे भैया लोग बोलो आगे समझ में आने कोई दिक्कत तो नहीं है सर की ठीक है। तो चलिए सर इसी ग्राफ को ड्रॉ करके देख लें ठीक है, आंसर तो आपको दिख ही रहा है दोनों में कॉमन वैल्यूज 3, 5 ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए सर ग्राफ कर ही देख लेते हैं, ग्राफ या फिर ग्राफ टिक करेंगे इस तरीके से, नंबरिंग कर लेंगे सर जी ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया सर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और ये 12 हो गया सर ठीक है ना। इसी तरीके से -1 ठीक है भाई, -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 और इस तरीके से -8 - 9 ठीक है।
इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ठीक। अभी थोड़ा सा आप बड़ा कर दो, बिगर 12 का चेक है ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है सर एक्स एक्स डैश होता है, और इसके बाद ये आपका वाई वाई डैश होता है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है सर 5 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है सर 5 है, तो 3 कॉमा क्या होगी सर 5 है। अगला जो सर x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू क्या है 10 है, ध्यान से समझिएगा। x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये आपको यहाँ पे आ गया -4 कॉमा 10 आ गया ठीक। अब इस तरीके से ये आपकी लाइन वैल्यू बन गई सर ठीक है ना, बोली समझ में आ गई ठीक है। अब अगर देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, बिल्कुल ये कॉमन पॉइंट आ गए सर, आगे 3, 5 ये कौन सी का है भाई इक्वेशन आप ड्रॉ कर देंगे 5x plus 7y equal to 50, means जो है 70, 50 का ठीक है ना। इसी तरीके से जो है अगला आपको दे रखा है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, x की वैल्यू जो -2 है, y की वैल्यू क्या है सर 10 है 12 है, तो आप इस तरीके से -2 पे जो है आपने दिखा दिया -2 पे क्या था सर 12 था, तो आपका इस तरीके से लाइन जो है कुछ इस तरीके से आपका जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आपका ग्राफ है बीच में 3, 5 क्या सर इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया सर, कौन सा है बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे होंगे सर, ये आपका बन गया सर कौन सी इक्वेशन का भैया बोलो जल्दी 7x + 5y = 46 का ठीक है ना। तो बोथ लाइंस कैसे होंगे सर, अब हम यहाँ पे देखो क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें 3, 5 क्या है सर कॉमन है ओके, बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं ठीक। तो इस तरीके से बोथ लाइंस आर कैसे होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी सर, क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया तो कैसा हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया सर, कैसा हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया, सिस्टम कैसा हो गया कंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है सर 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है आप लिख सकते हैं हेंस करके, हेंस कॉस्ट ऑफ आप पिक्चर में लिख सकते हैं हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आप बता सकते हैं वन पेंसिल की जो है आपका 3 रुपीज है, और इसी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ पेन आ गया वो आपका 5 रुपीज आ गया सर, आ गया 5 रुपीज आ गया, बोलो सर समझ में आया कि क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है हम ग्राफिकल क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं ठीक है। कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बाकी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे लेकर के ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।